गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। आज फिर हम आपके लिए क्वेश्चन लेके हाजिर हैं, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वन बाय वन आज फिर से क्वेश्चन को हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आज का हमारा रहेगा, जो कि NDA 2015 के सेकंड में पूछा गया, सितंबर में पूछा गया। द विजयनगर अंपायर रिसीव्ड इट्स डेथ बिलो एट द बैटल ऑफ। देखो बच्चों, इसमें ऑप्शन रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया टालीकोटा इन 1565, सेकंड पानीपत इन 1661, थर्ड टालीकोटा इन 1665 एंड फोर्थ रायचूर इन 1510। तो बच्चों इसमें से राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा इसमें टालीकोटा। एक्चुअल में इस फाइट को बच्चों राक्षस तागड़ी भी कहते हैं, और टालीकोटा के युद्ध में विजयनगर डायनेस्टी क्या कर गई, पूरी तरह ब्रेक कर गई। और इसके बाद में विजयनगर डायनेस्टी कुछ हिस्सों में टूट गई, अलग अलग छोटी छोटे राजवंशों में, छोटी छोटी डायनेस्टी में टूट गई। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेवलर्स हु विजिटेड इंडिया, कि कौन कौन से ट्रेवलर्स इंडिया में आए। और ये क्वेश्चन बच्चों NDA 2015 सेकंड का रहेगा, यानी कि जो 2015 में सेकंड एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन पहला था, मतलब जो क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दिया गया वो दिया गया अब्दुल रजाक समरकंदी फ्रॉम हैरात विजिटेड दिल्ली एंड दौलताबाद। बच्चों दौलताबाद एक्चुअल में मतलब साउथ की कैपिटल होती थी, और इस दौलताबाद को आगे चल के कुतुबाबाद बनाया गया। एक्चुअल में ये देवगिरी थी साउथ में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये रहा, सेकंड ऑप्शन बच्चों इसमें रहा इब्न बतूता प्रोवाइडेड डिटेल्स अकाउंट ऑफ बोथ दिल्ली एंड दौलताबाद। बच्चों इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, यानी कि इब्न बतूता दिल्ली में आया था। और थर्ड ऑप्शन इसमें बच्चों क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू फ्रेंकोइस बर्नियर देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड इन मुगल इंडिया। अब बच्चों देखो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो अब्दुल रजाक इंडिया में विजिट नहीं करता है, यानी कि अब्दुल रजाक समंदरगंज इंडिया में विजिट नहीं करेगा। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा इब्न बतूता और फ्रेंकोइस बर्नियर। बच्चों ये फ्रेंकोइस बर्नियर की बात करें तो ये दारा सिको के टाइम में इंडिया में आया, और एक्चुअल में जब दारा सिको के टाइम इंडिया में आया तो ये दारा सिको का फिजिशियन भी था, यानी कि दारा सिको की हेल्थ का चेकअप भी करता था। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वाज एसोसिएटेड विद द महाराष्ट्र महाराष्ट्र अनुसंधान निर्मोन समिति, यानी कि इन्होंने बोला महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मोहन समिति के फाउंडर कौन थे। एक्चुअल में इसकी बात करते हैं, चंदी प्रसाद भट्ट, नरेंद्र दाभोलकर, जीडी अग्रवाल, कैलाश कैलाश सत्यार्थी। देखो बच्चों इसकी बात करें तो कैलाश सत्यार्थी तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो डी ऑप्शन हमारा गलत रहेगा। चंदी प्रसाद भट्ट भी बच्चों इसमें आंसर आपका गलत है, ये भी नहीं रहे। अब जो हम इसके आंसर की बात करते हैं तो बच्चों नरेंद्र दाभोलकर और जीडी अग्रवाल, इन दो में से एक ऑप्शन रहेगा, इन दो में से एक ऑप्शन रहेगा। तो आपका राइट ऑप्शन जाएगा जीडी अग्रवाल का, यानी कि नरेंद्र दाभोलकर भी इसमें आपका गलत आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन है बच्चों एनडीए 2016 का, यानी कि 2016 में ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट NDA 2016 फास्ट का ये क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 2016 के फास्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। द अर्थशास्त्र इज द फास्ट इंडियन टेक्स्ट टू डिफाइन स्टेट, कि भाई देखो हमारे यहाँ पे चार वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। अब बच्चों चारों वेदों में स्टेट को किसने डिफाइन किया था। अब स्टेट की डेफिनेशन की बात आती है तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, क्योंकि अर्थवेद ऐसा था जिसमें आम जनता के बारे में भी बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बचता है, द मेन कंसर्न ऑफ द अर्थशास्त्र आर थ्योरेटिकल इशू लाइक द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। बच्चों इसमें क्या बताया गया कि स्टेट का ओरिजिन, स्टेट कहां से कैसे पैदा हुआ ये बताया गया। तो ये बच्चों हमारा ऑप्शन गलत रहेगा, हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा,
ए, यानी कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट, तो आपका राइट आंसर ए रहेगा, ओनली ए। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सूफिज्म इन इंडिया, यानी कि इंडिया में ये सूफिज्म की बात कर रहे हैं बच्चों, और सूफिज्म का सिस्टम क्या था। तो मैंने आपको कुछ सिलसिले पढ़ाए थे बच्चों, और हम ये लास्ट टाइम लेक्चर करके गए थे कि जब भारत में मुगल अंपायर या मुगल अंपायर से पहले भारत में जब मोहम्मद गोरी आया, तो मोहम्मद गोरी के बाद बच्चों पहली बार यहाँ पे दिल्ली सल्तनत फाउंड हुई, दिल्ली सल्तनत में बना पहली जो डायनेस्टी आई उसको हम गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी, इसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद और लोधी डायनेस्टी आई। जब बच्चों ये डायनेस्टी चल रही थी तो इस समय भारत में सिलसिले भी आए। अब जो सिलसिले आए बच्चों उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कितने टाइप के सिलसिले आए। तो बच्चों टोटल सिलसिलों की बात की जाए तो टोटल 14 सिलसिलों की हमें पता चलता है कि सऊदी अरेबिया या फिर सेंट्रल एशिया में हुए। बट भारत में कितने सिलसिले आए, तो भारत में बच्चों टोटल सिलसिले आए थे 5 सिलसिलों में चिश्ती, स्तारी, नक्शबंदी, इस टाइप के सिलसिले भारत में आए। तो इन्होंने पूछा पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत टू टॉम्ब्स ऑफ सूफी संत इज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स। इन्होंने कहा कि भाई जो सूफी संत होते थे जब वो अपनी खानकाह यानी कि अपनी जब वो अपने शरीर को छोड़ते थे तो उनके स्तंभ के रूप में या फिर उनके खानकाह के रूप में किस चीज को बनाया जाता था, तो टॉम्ब बच्चों यानी कि मकबरे सूफी संतों की याद में बनाए जाते थे। तो ये हमारा ए क्या रहेगा, बिल्कुल बच्चों राइट रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ द सूफीज इन इंडिया वर द चिश्तीज। अब बताओ इन्होंने पूछा कि जो मोस्ट ग्रुप थे इंडिया में वो चिश्ती सिलसिले से रिलेटेड थे, तो बच्चों ये भी पूरी तरह क्या रहेगा, राइट रहेगा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका सी रहेगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि एक और दो दोनों इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडियरी अलायंस वाज ए सिस्टम डिवाइडेड बाय, देखो इन्होंने ये क्वेश्चन लिया एनडीए 2016 का, यानी कि सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन है, और मैंने सब्सिडियरी अलायंस के बारे में कल भी आपसे बात की थी जब लास्ट टाइम हम पीवाईक्यू पे बात कर रहे थे, तो 2015 में भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब बच्चों इन्होंने इसमें ऑप्शन दिया लॉर्ड वेलेसली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो जब बच्चों जब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सब्सिडियरी अलायंस सबसे पहले इसको लागू करने वाला बंदा था डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इसे किसने लागू किया, तो बच्चों लॉर्ड वेलेसली ने इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लागू किया। तो बच्चों राइट ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ए रहेगा, लॉर्ड वेलेसली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट एक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज आर ट्रू, कि भाई इन्होंने पूछा पहली घटना 1857 की क्रांति में कौन सी हुई। अब बच्चों इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इट ऑक्यूरिड इन मेरठ व्हेन टू स्पोए स्टोल ए सुपीरियर ऑफिसर्स राइफल। भाई इन्होंने कहा कि पहली घटना कहां पे हुई, देखो बच्चों इसमें इन्होंने ऑप्शन दे रखा है मेरठ का, कि मेरठ में पहली घटना हुई, दो राइफल छीनी गई सुपीरियर ऑफिसर से। तो बच्चों पहला ऑप्शन आपका गलत रहेगा। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे दिया इट बिगेन व्हेन द रानी ऑफ झांसी डिक्लेयर्ड वार ऑन द ब्रिटिश। इन्होंने वॉर डिसाइड तो की थी बच्चों अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन सबसे पहली घटना ये नहीं थी, इसका मतलब सेकंड भी आपका क्या रहेगा, गलत रहेगा। थर्ड पे चलते हैं। इट बिगेन व्हेन मंगल पांडे फायरड एट यूरोपियन ऑफिसर इन मेरठ। ये भी बच्चों गलत रहेगा, क्योंकि मंगल पांडे ने पहली बार गोली कहां पे चलाई, बैरकपुर छावनी के सिपाही थे मंगल पांडे। तो ऑप्शन फोर पे चलते हैं। इट बिगेन व्हेन मंगल पांडे फायरड एट यूरोपियन ऑफिसर इन द बैरकपुर। तो बच्चों आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, फोर। अब हम देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जब हम कोड पे आते हैं तो बच्चों दो, ए कोड पूरी तरह गलत, उसके बाद बी कोड भी गलत, तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी, यानी कि ओनली फोर। पहली घटना क्या हुई, मंगल पांडे ने बच्चों पहली बार फायरिंग किया किसके ऊपर, जो उनके ऑफिसर थे, जो चर्बी वाले कारतूसों की वजह से मंगल पांडे ने कहा कि क्या इन कारतूसों के ऊपर चर्बी लगी हुई है, और मेजर सार्जेंट के ऊपर उन्होंने फायरिंग कर दी।
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गांधी जी हिंद स्वराज रिटन इन 1909 इज आर ट्रू. कि भाई गांधी जी ने हिंद स्वराज जो लिखा उसके बारे में राइट आंसर कौन सा है आपका, यानी कि वो कौन सी घटना ट्रू है. और ये बच्चों एनडीए 2016 फर्स्ट का क्वेश्चन है. तो इसमें जब हम चलते हैं, हिंद स्वराज ऑफर से सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन नेशन. बच्चों ये राइट ऑप्शन है आपका, ए इज द राइट ऑप्शन. इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, हिंद स्वराज स्टेट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वॉज नेसेसरी फॉर द एमेल्योरेशन ऑफ द सफरिंग ऑफ इंडियंस. बच्चों ये गलत ऑप्शन है, यानी कि दो आपका गलत रहेगा. इसके बाद हम तीसरे पे चलते हैं, हिंद स्वराज आर्ग्यूज दैट द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोरलिटी ऑफ सोसाइटी. बच्चों थर्ड ऑप्शन भी आपका राइट रहेगा. अब जब हम इसके ऊपर बात करेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, यानी कि कौन सा कोड आपका सही है. ओनली थ्री, ये तो बच्चों बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि तीन सही तो है लेकिन तीन के साथ एक भी सही है. एक दो तीन, तीनों सही, ये भी आपका आंसर गलत रहेगा. जब हम इसके बाद आगे चलेंगे तो बच्चों हमें दिखाई देगा एक और तीन बिल्कुल राइट है और डी भी पूरी तरह क्या है, गलत है. तो बच्चों इन क्वेश्चनों को जब आप करोगे तो कम से कम 50-40 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि इनसे मिलते जुलते आपके नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं. इसलिए आपको ये PYQ अच्छे से करने हैं, और PYQ में आंसर गलत क्यों हो रहे हैं वो भी आपको देखना है. और कल फिर हम इसी टाइम आपके साथ फिर से ऑनलाइन रहेंगे बच्चों. तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि और भी बच्चों को जो NDA की तैयारी कर रहे हैं उनको भी GS या GK में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके. जय हिंद, जय भारत.